प्लीज सोनू इलेक्ट्रॉनिक्स अपडेट इलेक्ट्रियो चैनल को सब्सक्राइब करें। न्यू वीडियो की अपडेट के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे सैमसंग की 8 किलो की वॉशिंग मशीन सेमी ऑटोमेटिक, जिसका रेट 16,390 रुपये है। ये डिस्काउंट करके आपको 10,500 में मिल जाएगा। जो निकलता है हमारा, ये आउटलेट का पाइप निकलता है, ये इनलेट का पाइप निकलता है जिससे हम पानी घेरते हैं, ये स्पिन केप निकलती है जो सुखाने वाले कपड़ों को ऊपर लगाई जाती है, ये आपके डेमो के लिए एक बुक मिलती है। क्या बात करते हैं हम इसके फीचरों के बारे में। ये हमारा वॉश टब है। वॉश टब में हमारे ये मैजिक फिल्टर मिलते हैं। ये मैजिक फिल्टर आपका क्या होता है, मैजिक फिल्टर में आप इसे खोलकर साफ कर इसे दोबारा लगा सकते हैं। जो भी आपका कूड़ा कचरा आता है वो सारा इसमें जमा हो जाता है। अब हम इसे वापस नहीं लगा देंगे। देखिए इजीली आपका इंस्टॉल हो चुका है। ये आपका हमारा एम्पिलर मिलता है, ये हमारे इसके अंदर रेडू मिलते हैं जो हमारा पानी को बाउंडर बनाने के लिए काफ़ी यूज किए जाते हैं, जिससे कि हमारी अच्छी वो मिले। ये मैजिक वॉश मिलते हैं जिससे कि कपड़े में रगड़ खाने के लिए अच्छी वे रहे आपकी। इसमें ये हमारा पानी इनलेट का ऑप्शन है हमारा। अगर हम इधर करेंगे तो स्पिन वाले में पानी चलेगा, और इधर करेंगे तो वॉश वाले में इस वाले में पानी आएगा। ये इनलेट का होता है दोनों तरफ पानी ट्रांसफर करने के लिए। ये हमारा एयर टर्बो दे रखा है स्पिन वाली के ऊपर, जिससे हमारे के एयर सारी निकलती है जिससे हमारा कपड़ा सूखता है। अब हम बात करेंगे सुखाने वाली की। अंदर ये काफ़ी बढ़िया एम्पिलर दिया हुआ है, काफ़ी टाइट में है आपका। ये एम्पिलर के अंदर हमारा पानी आने के लिए होता है, जिससे हम इसमें पानी कगाल भी सकते हैं। और ये मोटर हमारी, यदि हमारा ढक्कन उठाते हैं तो हमारी ये वाली मोटर भी चलनी बंद हो जाती है। यही फीचर है आपका हमारा इसमें। अब हम बात करेंगे इसके बटनों के बारे में। ये हमारा सुखाने वाले का स्पिन टाइमर होता है, जितना मान लिया हम अब जितना भी घुमाते हैं इसमें, 5 मिनट का हमें कपड़े सुखाने हैं तो हम 5 मिनट का टाइमर रख सकते हैं इसमें। ये इजीली काम करता है। आपका ढक्कन उठाते ही आपकी मोटर भी बंद हो जाएगी। और ये वाला होता है हमारा ड्रेन स्विच, जिससे कि हमारा इधर करते हैं तो पानी निकल जाता है, इधर करते हैं तो हमारा पानी रुक जाता है। पाइप हमें दोनों स्थितियों में नीचे रखना पड़ता है। ये होता है हमारा 3 स्पीड कंट्रोलर। इसमें हमारी हल्की स्पीड होती है, इसमें नॉर्मल होती है, इसमें हैवी स्पीड होती है धोने वाली के लिए। और ये जो होता है हमारा वॉश टाइमर होता है, ये एंटी क्लॉक टाइमर होता है इसके अंदर, सैमसंग की वॉशिंग मशीनों में ओनली मिलता है। तो ये वाला हमारा टाइमर चारों तरफ घूमता है आपका ये। और हम अगर इसकी मोटर की बात करें तो मोटर हमारी 340 वाट की होती है, और स्पिन मोटर होती है हमारी 150 वाट की। 8 kg में है ये, और 6 kg का होता है आपका स्पिन वाला डोम जो आपके कपड़े सुखाता है। बाकी हमें नीचे की तरफ, इसमें नीचे 4 रेडू मिलते हैं। अदर मोटरों में आपका मशीनों में 2 ही रेडू मिलते हैं, इसमें आपके 4 रेडू दिए हुए हैं। और काफ़ी नीचे से बंद हुई हुई है, जिसमें हमारी पूरी बंद है। और यदि चूहे इसमें अंदर आपके प्रवेश नहीं कर सकते, सबसे ज़्यादा दिक्कत जो आती है वो चूहों की आती है, चूहे इसके अंदर घुस जाते हैं। अब हम इसमें पीछे की तरफ पानी का पाइप लगाएंगे नीचे वाला, इजली यहाँ पे मुंह लग जाता है आपका ये पाइप हमारा ये वाला। अब हम बात करेंगे इसे चलाने की, कैसे चलाते हैं। इसमें वाटर इनलेट वाला पाइप लगाएंगे हम। यदि हमें पानी धोने वाली में भरना है तो धोने वाली पे इधर स्पिन वाले पे क्लिक करेंगे, वॉश वाले पर क्लिक करेंगे, और हमारा पानी इसमें अंदर आना चालू हो जाएगा। अब हमने इसमें कपड़े घेर दिए हैं, अब हमें चलानी है मशीन। तो हम इसमें टाइमर भरेंगे अपने हिसाब से। 15 मिनट का टाइमर जो होता है वो तो आपका 15 मिनट तक तो लगातार चलता है। और अगर ये सॉफ्ट टाइमर पे जाते हैं हम,
तो सोक टाइमर में आपका क्या होता है, 15 मशीन कभी चलती है कभी बंद होती है, ये आपका हमारा सोक करने के लिए टाइमर होता है। जैसे हमारा कंबल है मेल फुलाने के लिए होता है, ये वाला मेल फुलाने में काम आता है। बात करेंगे हम इसकी स्पीड की धोने वाली की, हमारी डेलिकेट तेज स्पीड में आते हैं, नॉर्मल में आती है, ये हैवी में आता है। डेलिकेट स्पीड में हमारे जैसे कि बलियान वलियान होते हैं वो सारे धुलेंगे हमारे इसमें, और नॉर्मल में जीन्स पैंट टी शर्ट ये सारी धुलेंगी, और हैवी में कंबल वम्बल ये सारी चीज़ों का काम होता है हमारा इसमें। अब हम बात करेंगे स्पिन वाली चलाने के लिए। अब हमें कपड़े सुखाने के लिए, कपड़ों के लिए जब हमने कपड़े घेर दिए उसमें आपका फिर ये लगाना पड़ता है नीचे की तरफ, और हमने ये लगा दिया। ये ढक्कन बंद करने के बाद ऊपर वाला ढक्कन बंद कर दिया अब हमने सुखाने वाली का, और हमने ये टाइमर बढ़ाया अपने हिसाब से। जैसे आपके कपड़े गीले हुए हैं ऐसे टाइमर बढ़ सकते हो, इसमें 5 मिनट तक का टाइमर भरा जा सकता है। अब हमारी मशीन चालू हो गई, यदि आप ये वाला ढक्कन उठाओगे तो हमारी मशीन ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी भले ही टाइमर चालू हो या बंद हो। ये हमारे पकड़ने के लिए 2 हत्थे दिए हुए हैं इधर उधर करने के लिए, इधर से पकड़ कर इधर कर सकते हो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, और ऐसी वीडियो फ्रिज वॉशिंग मशीन ऐसी के डेमो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।